आप देख रहे हैं खेल इंडिया और 42 साल के सचिन तेंदुलकर इन दिनों अपनी दूसरी पारी के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी तैयारी में कोई कोर कसर ना रह जाए इसके लिए पहले की तरह क्रिकेट की बारीकियों पर काम चल रहा है। अगले महीने अमेरिका में होने वाली ऑल स्टार्स T20 लीग में सचिन के बल्ले पर सबकी नजर होगी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ऑल स्टार्स T20 लीग के लिए अभ्यास करते सचिन तेंदुलकर बीते दिनों की याद एकदम से ताजा कर देते हैं। लगता नहीं कि 2 साल इतनी तेजी से बीत गए हैं। कहने की बात नहीं कि मास्टर ब्लास्टर में वही जुनून नजर आता है। Even though we've retired, the passion for cricket is very much alive. अपने पुराने अंदाज में तैयारी करते सचिन तेंदुलकर को उम्मीद है कि उनके साथ सौरव गांगुली, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, वीरेंद्र सहवाग और ऐसे ही कई माहिर दिग्गजों का आना खेल प्रेमियों को पहले की तरह जरूर पसंद आएगा। इसके लिए जो प्लेयर्स आने वाले खेलने के लिए वो सब ग्रेट प्लेयर्स हैं, है ना। सारे प्लेयर्स मैं समझता हूँ मिनिमम 15 साल खेले हुए हैं और उनका रिकॉर्ड ही बताता है कि किस तरह के प्लेयर्स थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब इकट्ठा आ रहे हैं, ये गेम प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। सचिन ने ट्विटर पर वीरेंद्र सहवाग को इस लीग में शामिल होने की बधाई भी दी। वो इस बात को लेकर भी उत्साहित हैं कि उन्हें सहवाग, सौरव गांगुली या मैथ्यू हेडन जैसे खिलाड़ियों के साथ बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस लीग में दर्शकों को खिलाड़ियों से एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है। यहाँ पे अगर बाउंडलैंड है, बेसबॉल ग्राउंड है, तो यहाँ पे फाइन लेग, थर्ड मैन, डीप पॉइंट, डीप स्क्वायर लेग वगैरह ये सारे फील्डर्स जो डीप फील्डिंग कर रहे हैं वो लिटरली 5 फीट दूर रहेंगे स्पेक्टेटर से। तो उनके साथ काफ़ी सारे हमारे टीम में कैरेक्टर्स है, तो एक दूसरा जोक भी सुनाएंगे।